हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं सिप्रोडेक 500 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, सिप्रोडेक 500 टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और कितनी मात्रा में सिप्रोडेक 500 टैबलेट को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, सिप्रोडेक 500 टैबलेट की बात करें तो इसको कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया गया है, सिप्रोलॉक्सासिन 500 mg, जो कि IP इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये 40 rupees में ही 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है। इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, बात करते हैं इस सिप्रोडेक 500 टैबलेट को कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, यदि किसी को बुखार आ जाता है तो बुखार को दूर करने के लिए इसको एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके दांतों में सूजन आ जाता है या आपके दांतों में पस जैसी समस्या पड़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए इसको लिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो काम करता है स्किन इन्फेक्शन में, यदि किसी के स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, आपके शरीर पर स्किन पर आपके दाने निकल आते हैं, फुंसी निकल आती हैं, फोड़ा निकल आता है, तो उसको दूर करने के लिए इसको लिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए इसको लिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो टैबलेट काम करती है, यदि आपके कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आपके कान में किसी तरह की फुंसी निकल आती है, उसमें पस आ जाता है, उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो टैबलेट काम करती है, आपके यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको दूर करने का भी ये काम करती है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक दवा है, जैसे मैंने आपको बताया। ये क्या काम करती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, जिससे कि बैक्टीरिया की जो वृद्धि है वहीं पर रुक जाती है और बैक्टीरिया आगे को नहीं बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके जो टैबलेट के मेन फ़ायदे हैं वो इधर मैंने आपको बता दिए हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में। एक एडल्ट व्यक्ति को दोस्तों, इसकी सुबह शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको मतलियाँ हो सकती हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट खराब हो सकता है। ये इसकी कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की देखरेख में ही करें। अननेसेसरी आप इस टैबलेट को खुद से बिल्कुल ना लें, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल हमें खुद से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।